वेलकम फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में 100 और 1000 को बेस मान के वैदिक मैथ का शॉर्ट ट्रिक बताया था और इस वीडियो में हम 50 को बेस मान के वैदिक मैथ का शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि आपका मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत ही आनंद आए और बहुत ही कम समय में आप कर लें। इस वीडियो में हम आपको 50 का बेस बनाएंगे जिससे आपकी मल्टीप्लिकेशन और आप कम समय में करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं 50 बेस और सबसे पहला उसको 47 × 42। 47 हमारे 50 से कितना कम है, 42 हमारे 50 से कितना कम है। देखिए 47 में हम 50 से 3 कम है, 42 8 कम है। और देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस सब्सट्रैक्शन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बनाया था, देखिए 47 को क्रॉस सब्सट्रैक्शन 3900 आएगा। 3900 क्या करेंगे, हम हाफ करेंगे। पिछले में 100 था, इसमें 50 है, इसलिए इसका हम हाफ कर देंगे। तो इसका हाफ करेंगे और इस हाफ में हम 8 × 3 = 24 को हम ऐड कर देंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1974। ऐड करेंगे 1974 जाएगा, ये हो गया हमारा 1974, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए इसको 50 बेस मानिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 × 43। अब देखिए 48 और 43 कितना कम है, 48 और 50 से कितना कम है, 2 कम है, और 43 7 कम है। अब इसको क्रॉस सब्सट्रैक्शन कर देंगे, 42 3 को 2 से और 48 में 7, तो इनको सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4100। 4100 का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। हाफ करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2015 क्या करेंगे, 7 × 2 क्या होता है हमारा, 14। और इस 14 को माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इस 14 को हम 2050 में प्लस कर देंगे। 2050 में प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2060। ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरह अगला एग्जांपल देखते हैं, 45 × 41। ये देखिए 50 से कितना कम है, 45 हमारा कितना कम है और 41 हमारा 50 से कितना कम है। 45 और 50 से 5 कम है और 41 और 50 से 9 कम है। फिर इन दोनों को क्रॉस सब्सट्रैक्शन करेंगे, 41 में 5 या 45 में 9, जो क्रॉस करेंगे क्या आएगा हमारा, 3600 आएगा। फिर 3600 का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। 50 बेस माने हैं, हाफ करेंगे तो 8800 में क्या करेंगे, 9 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें ऐड कर देंगे। 9 × 5 क्या है, 45, और 45 में 1800 ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, हमारे क्या हो जाएगा, 1845। ये 45 हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह फिर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 52 × 52। अब ये देखिए ये 50 से क्या है, ज़्यादा है। पिछले बार क्या था, कम था। 52 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 54 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। फिर पिछले में माइनस किए थे, इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए पॉजिटिव है। तो 54 में 2 ऐड करें या 52 में 4 ऐड करें, दोनों हमारा आएगा 5600। 5600 में हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। 5600 का हाफ हम करेंगे तो क्या होगा, 2800। इस 2800 में क्या करेंगे, 4 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2800 में 8 को हम ऐड करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, 2808। ये हो गया हमारा 2808, 52 × 54 का आंसर हो गया। देखिए आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें कमांड बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 × 58। ये देखिए 56 कितना ज़्यादा है, 58 कितना ज़्यादा है। 56 कितना ज़्यादा है, 6, 58 ज़्यादा है। अब इन दोनों क्या करेंगे, क्रॉस ऐड करेंगे। 58 में 6 या 56 में 8 क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6400 आएगा। 6400 को हम क्या कर देंगे, हाफ करेंगे। 6400 का हाफ कितना होता है, 3200। 3200 में क्या करेंगे, 8 × 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस 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 होता है। तो 32 में 48 प्लस करेंगे तो 3248 आ जाएगा। 3248 हमारा क्या हो जाएगा, 56
58 का आंसर हो जाएगा। उसी तक लगे एग्जाम्पल देखते हैं 46 इंटू 52। अब ये देखिए कम है ज़्यादा है, अब देखिए 46 और 52 दोनों कितना कम है कितना ज़्यादा है, 46 फोर कम है 52 टू ज़्यादा है। फिर दोनों को देखिए करेंगे क्रॉस, देखिए माइनस है तो क्रॉस माइनस करेंगे, प्लस है तो क्रॉस प्लस करेंगे, 46 में 2 प्लस करें या 52 में 4 माइनस करें, दोनों का सेम आएगा। तो 46 में 2 हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4800। 4800 का हम क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, हमेशा 50 बेस मान इसलिए हाफ करेंगे, क्या जाएगा 24। इस 2400 में 4 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा उसको क्या करेंगे प्लस माइनस, माइनस होता है क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 24 में हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9 होगा और ये 23 हो जाएगा, हमें क्या आ जाएगा 2392, ये हो गया हमारा आंसर है ना। देखिए माइनस है प्लस है तो माइनस है माइनस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 into 56, ये देखिए 48 कितना कम है 56 कितना ज़्यादा है, 48 हमारा 2 कम है 56 6 ज़्यादा है। अब इन दोनों को क्या करेंगे 48 में 6 को या तो हम ऐड करें या 56 में 2 को हम माइनस करें तो क्या आ जाएगा 5400। 5400 का हम क्या करेंगे हाफ कर देंगे, क्या आ जाएगा 2700। 2700 हम क्या करेंगे 6 इंटू 2 12 को लिखेंगे और ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2688। 00 माइनस करेंगे 88 हो जाएगा, तो ये 2688 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपको डायरेक्ट करना सिखाएं, देखिए 47 हमारा 56 कितना कम है 3 कम, ऊपर लिख दिए 42 को 8 कम है, इसको भी हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे फिर से क्रॉस माइनस करेंगे, 47 में 3 से माइनस कर दें 47 में 8 माइनस कर दें तो क्या जाएगा 39। तो 3900 का हम क्या कर देंगे हाफ कर देंगे 9050 हो जाएगा, 9050 होगा 83 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, तो 9050 में 24 प्लस करेंगे तो 9070 हो जाएगा। उसी तरह अगला देखते हैं 53 into 48, 53 कितना ज़्यादा है 3, 48 कितना कम है हमारा 2 कम है। अब देखिए 53 में 48 क्या करेंगे ऐड करेंगे या 53 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5100 का हाफ करेंगे तो 2550 हो जाएगा, 2550 में 3 2 6 माइनस। अगला देखते हैं 46 into 49, अब देखिए 46 कितना कम है 4, 49 कितना कम है 1, टू क्रॉस माइनस करेंगे तो 4500 रह जाएगा, 4500 का हाफ 2250 या 2250 में 4 इंटू 1 कर देंगे 4 प्लस कर देंगे क्या जाएगा 2554। अगले पार्ट में हम आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे जो 500 के बेस मान के चलेंगे, जो 500 के बेस में इस चीज़ को भी बहुत ही कम समय में करेंगे। अगर आपको मैथ सबसे वैदिक मैथ शॉर्ट ट्रिक पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम